पिछले 24 घंटा में नॉर्थ ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट्स में मेनी प्लेसेस में बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का साथ हुआ है। बेतानोटी में हाइस्ट रेनफॉल 71.0 मिलीमीटर हुआ। बारीपदा 64.6 मिलीमीटर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आनंदपुर 59.6 मिलीमीटर, केवंदर डिस्ट्रिक्ट में तेलकॉय 46.2 मिलीमीटर केवंदर डिस्ट्रिक्ट में है। नयोना 44.4 मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। राजघाट 44.2 बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है। तेमसा 37.4 सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। इस तरह से रेनफॉल हुआ है। टेम्परेचर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर फुलवानी एंड बोध ये दोनों में हाइस्ट हुआ है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। भुवनेश्वर में था 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर अभी इंटर ओडिशा का मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में ही स्वाभाविक से कम है और हमारा कोस्टल ओडिशा में भी स्वाभाविक से कम ही है। बट इंटर ओडिशा में डिपार्चर मीन्स स्वाभाविक से ज़्यादा कम है। इसमें स्वाभाविक से 2-3 डिग्री तक कम है मेनी प्लेसेस में। और हमारा अभी अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट रहेगा इसमें अभी एक ट्रफ लाइन एमपी साउथ ईस्ट एमपी से हमारा वेस्ट असम तक है। साउथ ईस्ट एमपी नेबरहुड एरिया में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है। इसी का वजह से कालबैशाखी व थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का वेदर अभी जिस तरह आज भी जारी रहेगा। ऑलरेडी कुछ कुछ एरिया में हुआ है और भी हो रहा है। और आज जैसे नॉर्थ कोस्टल ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट प्लेसेस में बाकी अदर ऑल प्लेसेस में मेनी प्लेसेस में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश रहेगा। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग तेज हवा गस्ती सर्फेस विंड का वार्निंग भी है कोस्टल ओडिशा का सभी डिस्ट्रिक्ट केन्झर मयूरभंज ढेंकनाल अनुगुल कंधमाल नयगढ़ कंधमाल रायगढ़ ये इंटर ओडिशा का ये सब डिस्ट्रिक्ट में भी वार्निंग है। और हमारा इंटीरियर का बाकी डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने का चांसेस है। फिर कल 14 तारीख यानी 24 आवर्स के बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा। मेनली एक दो जगह में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी रहेगा। हल्का बारिश भी होने का चांसेस है। मेनली केवंझर मयूरभंज बालासोर भद्रक जाजपुर कोरापुट मलकानगिरी गजपति रायगढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। बाकी डिस्ट्रिक्ट में लाइट रेन हो सकता है बट मोस्टली ड्राई होने का ही चांसेस है। डे 3 डे 4 डे 5 में भी और भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कम हो जाएगा। इसमें हल्का लाइट थंडरस्टॉर्म एंड लाइट रेन होने का चांसेस है हमारा 15, 16, 17 इस पीरियड में। इसमें ज़्यादा जगह में नहीं रहेगा, एक दो डिस्ट्रिक्ट करके रहने का चांसेस है। तो कुल मिलाकर के जो है अभी डे 1 आज थोड़ा ज्यादा नेक्स्ट 24 आवर्स में ही थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। डे 2 कल से कम होने का, डे 3 मीन्स हमारा 15 से और भी कम होने का चांसेस है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर आज तो थंडरस्टॉर्म का वजह से नॉर्थ ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह में 4-5 डिग्री कम होगा। फिर कल 4-5 डिग्री इंक्रीज होकर के और ज़्यादा चेंजेस उसके बाद और नहीं होगा, थोड़ा सा राइजिंग टेंडेंसी रहेगा। भुवनेश्वर सिटी में ऑलरेडी बारिश हो चुका है आज, और भी थोड़ा सा लाइट चेंज हो सकता है। बाकी हमारा आज मैक्सिमम टेम्परेचर 35-36 का बीच में रहने का चांसेस है। और कल से बारिश कल थंडर एक्टिविटी थोड़ा हो सकता है, उसके बाद फिर ओनली पार्टली क्लाउड स्काई रहने का चांसेस है। टेम्परेचर भी ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। और अभी सभी लोग जो पूछ रहे हैं लो प्रेशर एरिया है अरेबियन सी में साइक्लोन का बारे में, तो ये लो प्रेशर एरिया अरेबियन सी साउथ ईस्ट अरेबियन सी में आज हुआ है, तो ये साइक्लोन बनने का चांसेस है। एमएलए अरेबियन सी में है और ये गुजरात एडजॉइनिंग पाकिस्तान का तरफ जाने का चांसेस है। तो डिटेल्स बुलेटिन हमारा नेशनल बुलेटिन में आ रहा है, नेशनल वेबसाइट में आप लोग देख सकते हैं। और इसका प्रभाव हमारा उड़ीसा में नहीं है।